Hi everyone, good morning my people, and I'm Gamam and welcome to today's vlog. It's 5:50 AM right now and I just woke up. So आज का मेरा vlog होने जा रहा है काफ़ी special. आज मैं आप सबको मैं अपनी college दिखाऊंगी. सबसे पहले मैं breakfast कर लूँगी, उसके बाद से मैं तैयार होकर अपनी college जाऊँगी, तो मैं आप सभी को वहाँ पर ही मिलूँगी. So yeah, stay tuned with me. फाइनली हम अपना कॉलेज पहुंच गया है, तो हमारा क्लास बाद में शुरू होगा, 8:30 से शुरू होगा. आप जी जो पीछे देख रही है हमारा कॉलेज का गार्डन, और अभी तक स्टूडेंट पूरा तो नहीं आया है क्योंकि क्लास टाइम 8:30 ऐसे से शुरू होगा. तो चलो मैं आपको कुछ सुंदर सा नज़ारा दिखाती हूँ इस कॉलेज के. और ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक. और ये है एकेडमिक ब्रांच. और ऊपर जाके प्रिंसिपल सर की ऑफिस मिलेगी. और ये है हमारा प्रिंसिपल सर की ऑफिस. और ये यहाँ की क्यूट सा प्लांट.
तो यहाँ से जाके वहाँ है हमारा पोल डिपार्टमेंट। वो है हमारा पोल डिपार्टमेंट ये वाला। तो जब भी हम अपना असाइनमेंट पोल के सबमिट करते हैं तो हम वहाँ पे सबमिट कर लेते हैं। और ये है हमारा प्यारा सा सुंदर सा कॉलेज का नज़ारा। ये बहुत थक गया है अभी। एक्चुअली मेरा कोई इरादा तो नहीं था यहाँ पे ब्लॉग बनाने का, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में अचानक से ख्याल आया कि चलो गमम यहाँ पे पढ़ ही रहा है तो एक ब्लॉग भी बना लो यहाँ का, ताकि आगे जाके एक मेमोरी भी रहे इस कॉलेज की। और ऐसा मौका कभी कहीं नहीं मिलेगा आगे जाके, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना एक वीडियो बना लो, इस पर सही रहेगा। तो मैंने आज बना ली। शायद मैं आज आपको जितने भी यहाँ पे क्लास पढ़ा कैसे पढ़ाती हूँ वो सब नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मेरा क्लास जो है 11:30 से शुरू होगा बाद में। एक्चुअली मैंने टाइम गलत बदल दी थोड़ा पहले, क्योंकि मंडे से वेडनेसडे रूटीन अलग रहती है टाइमिंग, और थर्सडे से लेकर फ्राइडे तक टाइमिंग अलग रहती है, तो मैं भूल गई थी, तो अभी याद आया, तो इसलिए शायद मैं जल्दी जाऊँगी। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं आप सभी को इस कॉलेज का पूरा एक्सप्लोर करा के ये है हमारा कैंटीन। टरन हेवन। जब भी हमें फ्री टाइम मिलती है तो हम यहाँ आ जाते हैं, भले ही हमारे पास पैसे हो या ना हो। और इस कैंटीन में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आलू चॉप लगती है। और वो है हमारा वॉशरूम, लेफ्ट साइड वाले गर्ल्स टॉयलेट एंड राइट साइड वाले बॉयज टॉयलेट। और ये है हमारे जियो डिपार्टमेंट। और ये है हमारा जियो क्लास। बहुत अंधेरा है। और वो है हम हिस्ट्री डिपार्टमेंट, इस कॉलेज की हिस्ट्री डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। ओह नो, शीशा टूट गया है। ये है जस्ट हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बगल में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। एंड दिस इज फिजिक्स डिपार्टमेंट। एक्चुअली यहाँ पे इतना सारा डिपार्टमेंट है कि पता नहीं मैं पूरे को पूरा को कवर कर पाऊंगी कि नहीं। एक साल हो गया है हम यहाँ पे पढ़ा वाला, लेकिन अभी तक मुझे मतलब पूरा क्लास पता नहीं है यहाँ पे कितना टोटल कितना क्लास। तो यहाँ पे जाके लेफ्ट जाके कैंटीन, जहाँ पे पूरे हम गया था कैंटीन है यहाँ पे, और बहुत सारे क्लास है और आई डोंट थिंक मैं पूरा को कवर कर पाऊँगी। तो ये है हमारा इलेक्टिव क्लास।
अभी तक पूरा स्टूडेंट नहीं आया है। थर्टी पार हो चुका है और मैम अभी तक नहीं आया है और साथ में मेरा बैटरी भी ख़त्म होने जा रहा है। और स्टूडेंट आ चुका है। ये साइड तो पूरा खाली है, अभी तक नहीं आया है, तब तक मैं थोड़ा सो जाती हूँ। तो इसलिए मैम नहीं आया है आज, सभी स्टूडेंट वापस जा रही है। तो मैं सबसे पहले लाइब्रेरी घुस लूँगी, आप सभी को मैं आज लाइब्रेरी दिखाऊंगी। और ये है हमारा लाइब्रेरी। This is technical section and inquiry section, server computer section. ये है इसकी यहाँ के first room. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to... हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें मिलती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी न्यूज़, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, टेलीग्राफ, इंडियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एनकाउंटर, करेंट साइंस, प्रिंट एंड अरुणाचल रिव्यू, और भी बहुत सारे हैं। और साथ में फ्री वाईफाई। ये तो हमारा लाइब्रेरी का टूर, आई होप आप सभी को अच्छा लगा। और ये है हमारे कॉलेज के एग्जाम सेल। और वहां आगे वाले रूम में है कॉन्फ्रेंस हॉल। गाइस, तो अभी हम लोग क्लास जा रहे हैं। Say hi. Hi. अपना तो ऑरेंज दिखा, और बहुत दिन का बाद ऑरेंज खाने जा रहा है, बहुत एक्साइटेड। दिस इज कॉल्ड अ थिंग इन आदि लैंग्वेज, लेकिन हिंदी में पता नहीं क्या है। ये कुछ राइस से बनाता है इसे। ये है सीलूम।
बस। एक बात तो सही है, फेलियर इज़ द की टू सक्सेस। हर एक मिस्टेक्स हमें लाइफ में कुछ ना कुछ तो सिखाती ही है। हमें बस उन सारी गलतियों को भूलकर लाइफ में आगे बढ़नी चाहिए और हर एक छोटी मोमेंट को एक्सपीरियंस करके उसे इंजॉय करनी चाहिए। ओके गाइस, तो मैं घर पहुंच चुकी हूँ जस्ट अभी, एंड आई वुड से इट वाज अ वेरी 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 हेक्टिक डे एंड आई एम एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड राइट नाउ एज यू कैन सी। और आज का मेरा जो ब्लॉग था वो बहुत एकदम सक्सेसफुल रहा है, लेकिन एक बात पक्की है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, पता नहीं ऐसा क्यों। मेरी जितने भी पिछले वीडियो थी उस वक्त मुझे इतना इतना नर्वस इतना नहीं था, लेकिन पता नहीं आज को बहुत अलग से बहुत नर्वस लग रहा था हमको तो। पर मैंने अपनी बेस्ट दी। और कहते हैं कि ब्लॉग बनाना काफ़ी आसान है, यू कैमरा उठाओ और बात करो। नो, मतलब मैं कहूँगी कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे कि मैं खुद अपनी एक्सपीरियंस के साथ कहती हूँ, आप जब कैमरा फेस करती है और आप जब अकेला बात करती है तो आपके जो आसपास के लोग होते हैं वो आपको जब घूर कर देखते हैं, वो मोमेंट आती है बहुत वियर्ड फील करती है आप, और पता नहीं खुद से वो नर्वसनेस आ जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ आज, बट इट्स ओके, ये सब तो चलता रहेगा। ओके, तो आई होप आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड गिव ए थम्स अप। एंड आप अगर आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकती हैं, और आप इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। सो आज के लिए।